सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास से ही संबंधित। हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण के विषय में, यानी कि हम जानेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य था तो वो साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सैयद वंश और लोदी वंश के विषय में। हमने पढ़ा था कि जो लोदी वंश है वो लोदी वंश इस सल्तनत कालीन राजवंशों में अंतिम वंश है, और उसके बाद जब इसके बाबर का आक्रमण होता है और मुगल वंश की यहाँ पर नींव पड़ जाती है। अब अगर हम बात करें कि सल्तनत काल के या दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का काल था 1206 से शुरू होता है गुलाम वंश के साथ, और 1226 में लोदी वंश के साथ इसका समापन हो जाता है, यानी कि अंतिम राजवंश होता है लोदी वंश। ठीक है, तो 1206 से 1526 तक का जो टाइम पीरियड होता है, जब यहाँ पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और बाबर जीत जाता है पानीपत के पहले युद्ध में, उसके बाद वो मुगल वंश की नींव रख देता है। जो ये टोटल टाइम पीरियड होता है, जो इनका राजवंश का टाइम पीरियड था, कुल मिला के 320 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अभी जो 320 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया गया, तो यहाँ पर 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, जिसमें था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद शासन किया था यहां पर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और फिर यहां पर शासन किया था लोदी वंश। तो ये अंतिम यहां पर राजवंश था। अब बात करें कि जो ये अलग अलग 5 राजवंशों ने यहां पर शासन किया, इन राजवंशों में बहुत योग्य शासक भी हुए, जैसे हम इल्तुतमिश की बात करें, रजिया की बात करें, बलवन है, अलाउद्दीन है, मोहम्मद तुगलक है, तो बहुत योग्य यहाँ पर शासक भी हुए, तो जिनकी वजह से ये टाइम पीरियड इतना लंबा खिंच पाया, यानी कि 320 साल तक। अब बात करें कि इतिहास में जो गुलाम वंश है उसको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का शैशव काल। जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश को बोला जाता है इसका यौवन काल। तुगलक वंश को बोला जाता है वृद्धावस्था काल। इसे बोला जाता है यहां पर, यानी कि सैयद वंश को पतन काल, और लोदी वंश है अंत्येष्टि काल। तो इन नामों से संक्षिप्त रूप में इनको जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें सल्तनत काल का, यानी कि दिल्ली सल्तनत का देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर इसका पतन होता है, तो आप सोचिए गुलाम वंश से शुरुआत होती है, जिसे संज्ञा दी गई उसके शैशव काल की। खिलजी वंश के दौरान, जब अलाउद्दीन खिलजी है, तो उस दौरान ही खूब फलता फूलता है, खूब यहाँ पर साम्राज्य विस्तार होता है। तुगलक वंश के दौरान यहाँ पर साम्राज्य विस्तार की नीतियों में थोड़ा सा विराम आता है, और उसके बाद सैयद वंश में पतन काल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लगातार अयोग्य शासक आ रहे हैं। और लोदी काल में, यानी कि लोदी वंश में, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो इसे संज्ञा दी गई अंत्येष्टि काल की। अब बात करते हैं कि जब यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, और यानी कि 1526 से लेकर 1857, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक यहाँ पर मुगल वंश ने शासन किया। हालांकि इसके बाद में हम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है उसके पतन के क्या क्या कारण रहे थे। सबसे पहले इसके पतन का जो कारण ये था कि हमने कहा कि इसका साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तृत था, तो साम्राज्य की विस्तारता या साम्राज्य की विशालता इसके पतन का पहला कारण था। क्यों पहला कारण था? क्योंकि यातायात के साधन प्रॉपर नहीं थे।
अब जब यातायात के साधनों का अभाव था तो साम्राज्य विस्तार है, इतना बड़ा देश है और उत्तर से दक्षिण तक जीते गए जो राज्य हैं उन राज्यों की निगरानी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे। फिर दूसरी चीज अगर हम बात करें, हालांकि बलवन और अलाउद्दीन जैसे शासक थे उन्होंने अपने दूर के प्रांतों में भी एक तरीके का नियंत्रण बनाए रखा, वो इस मामले में यहाँ पर योग्य सिद्ध हुए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की अगर हम बात करें तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही यहाँ पर जो दक्षिण राज्य थे वो राज्यों ने, दक्षिणी राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। और उसके बाद लगातार सैयद वंश और लोदी वंश में योग्य शासकों का अभाव रहा, वो दिल्ली सल्तनत को संगठित नहीं कर पाए, उसे सुरक्षित नहीं कर पाए। और आप इसी बात से समझ लीजिए कि लास्ट में यानी कि अंत आते आते दिल्ली सल्तनत केवल दिल्ली मेन शहर और उसके आसपास के छोटे गांव तक ही सिमट कर रह गई थी। तो सोचिए कि कितनी खराब स्थिति रही होगी इस टाइम पीरियड में। तो जब पूरे तरीके से यहाँ पर साम्राज्य की देखरेख नहीं हो पाई, पूरे तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, जिस वजह से ये विशाल साम्राज्य भी कहीं ना कहीं पतन का कारण बना। दूसरी बात हम यहाँ पर करें कि जो यहाँ के सुल्तान रहे वो बहुत ही स्वेच्छाचारी थे, बहुत ही ज्यादा निरंकुश थे, निरंकुशता का उन्होंने पालन किया। यानी कि उनके जब उन्होंने राजत्व सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तो राजत्व सिद्धांत के साथ ही यहाँ पर प्रजा की अवहेलना शुरू हो गई, क्योंकि इसके अंतर्गत जनता के जो विचार है उनका महत्व खत्म हो गया। जनता क्या चाहती है सुल्तान ने इस बात को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया और वो राजत्व के सिद्धांत के ही समर्थक हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने जनता की इच्छा का कभी भी सम्मान नहीं किया। अब लगातार अयोग्य शासक आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर निरंकुशता बढ़ती जा रही है सुल्तान के मध्य या सुल्तान के व्यवहार में, जिस वजह से भी यहाँ पतन की शुरुआत होनी शुरू हो गई। अब क्योंकि अगर आप उदाहरण समझ लीजिए, जैसे बलवन है, अलाउद्दीन खिलजी है, इनके टाइम पीरियड में तो जो निरंकुशता थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। कैसे चरम पर पहुंच गई, ध्यान होगा आपको जब हमने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जब पढ़ा था, हमने कहा था कि जो शासक है वो क्या करता है, अपने विरोधियों को उसकी खाल खिंचवा लेता है और शरीर से खाल अलग कर लेता है, बाल नोचवा देता है, साथ ही उसकी खाल में भूसा भरवा देता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूरतम अपराध रहे उनके द्वारा, जिस वजह से लगातार लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक अपनी स्वेच्छाचारिता का भी भाव बढ़ता जा रहा था। और इस वजह से भी ये दूसरा मुख्य कारण रहा इस साम्राज्य के पतन का। तीसरी अगर हम महत्वपूर्ण बात करें, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीरों के द्वारा षड्यंत्र किया गया, अमीरों ने जो षड्यंत्र किए उन षड्यंत्रों से भी पतन को एक आग में घी डालने जैसा काम हुआ। कैसे, अब यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी यहाँ के जो सुल्तान थे वो अमीरों के प्रभाव में रहते थे। ये हमने पूरे जितना हमने दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ा हमने पढ़ा उसमें कि अमीरों के हाथ के ही कठपुतली मात्र रह जाते थे सुल्तान, क्योंकि जो मेन संचालन होता था वो अमीरों के हाथ में होता था और सुल्तान उनकी बात इसलिए मानते थे क्योंकि अमीरों के सहयोग से ही किसी व्यक्ति को सुल्तान बनाया जाता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो वो प्रबल समर्थक होते थे सुल्तान के, तो सुल्तान को लगता था कि अमीरों के माध्यम से ही लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। अब जब तक अमीरों के हाथ में विशेष अधिकार रहे और उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा तब तक वो सुल्तान और साम्राज्य के प्रति स्वामी भक्त रहे, लेकिन जैसे ही कुछ विशेष अधिकारों का प्रयोग कर दिया गया, कुछ कठोर नियंत्रण कर दिए गए, अब वो सुल्तान के भी विरोधी हो गए और सल्तनत के भी विरोधी हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्या कहना चाहिए, अमीरों का प्रभाव था जब लगातार कम होता चला गया। अब ध्यान करिए इब्राहिम लोदी का, हमने पढ़ा था लोदी वंश में इब्राहिम लोदी के खिलाफ ये षड्यंत्र था कि बाबर को इनवाइट किया गया इसको हराने के लिए और यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध होता है। तो जो इब्राहिम लोदी था वो इब्राहिम लोदी अपने पूरे टाइम पीरियड में इन अमीरों के षड्यंत्र से बहुत ज्यादा परेशान रहता है और लगातार उन षड्यंत्रों को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन
इनकी लालच की वजह से जो दिल्ली सल्तनत है उसकी नींव हिल चुकी थी और यहाँ पर पतन का प्रारंभ शुरू हो गया था, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बाबर को इनवाइट किया गया जो कि काबुल का शासक था, यहाँ अमीरों ने लोदी को हराने के लिए यानी कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसको इनवाइट किया था, यहाँ इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और ये कहीं ना कहीं अमीरों के षड्यंत्र की वजह से होता है। अब बात करें अगला, यहां पर हमने कहा कि जो सुल्तान है वो निरंकुश हो गया है और वो जनता की बात का ध्यान नहीं रखता है, उसकी सम्मान नहीं करता है उसके विचारों का। तो यहाँ पर बात जो अगले कारण की हम करेंगे वो है प्रजा सहयोग का कहीं ना कहीं अभाव था। क्यों अभाव था? क्योंकि सुल्तान जो भी होता था उसकी जो प्रजा थी वो उसका सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता था, कारण कि उसकी बहुत बड़ी संख्या उन प्रजा निवासियों की थी जो कि हिंदू धर्म से संबंधित थे और वो हिंदू हमेशा मुसलमानों को एक विदेशी ही समझते थे। तो वो इस बात से संतुष्ट नहीं रहते थे कि किसी विदेशी का हम पर शासन हो। फिर सुल्तानों का जो चरित्र था वो यहाँ की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं का बहुत कम यहाँ पर सहयोग किया, हिंदुओं पर तरह तरह के कर लगाए गए, तो इस वजह से हिंदुओं में कहीं ना कहीं रोष था, जनता में कहीं ना कहीं रोष था। तो प्रजा का अगर सहयोग नहीं है तो कोई भी साम्राज्य हो, यहाँ तो हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रजा सहयोगी नहीं है तो कोई भी साम्राज्य हो वो साम्राज्य लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रह सकता। तो और यही बात यहाँ दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में भी सिद्ध हुई। इसी संदर्भ में एक विद्वान ने भी कहा था कि हम भाले की नोक से और सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उस पर बैठ नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी बात थी और ये बात कही गई थी दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। अब बात अगर हम आगे करें जो यहाँ पर हिंदू थे, क्योंकि मुस्लिम शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो लगातार हिंदू जो प्रजा थी वो समय समय पर दिल्ली सल्तनत के खिलाफ आंदोलन करती रहती थी, आंदोलन भी नहीं विद्रोह करती रहती थी। जब वो लगातार यहाँ पर विद्रोह कर रही थी तो जिससे सल्तनत की शक्ति को बार बार नुकसान हो रहा था और यहाँ पर शक्ति लगातार कमजोर हो रही थी। तो इसी क्रम में अगली अगर हम बात करें कि इस काल के दौरान उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, कोई नियम नहीं था, जो भी सैन्य शक्ति के आधार पर व्यक्ति योग्य होता था वो यहाँ पर उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। अब सुल्तान के जीवन काल में उत्तराधिकार का प्रश्न ऐसा उलझ जाता था कि वहीं से लेके अगले सुल्तान के लिए षड्यंत्र और कुचक्र प्रारंभ हो जाता था। अब अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत में ऐसे बहुत से उदाहरण है कि शासन सत्ता के लिए या राज सिंहासन के लिए यहाँ पर षड्यंत्र किए गए और सुल्तान की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी को ध्यान में रखिए, उन्हें अपने चाचा की हत्या कर दी थी यहाँ पर शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो अनेकों उदाहरण है यहाँ पर जिससे हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का कोई नियम तो था नहीं। जो सैन्य रूप से संगठित हो जाता था, योग्य हो जाता था, वो सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करता था, उसे वहां से पदस्थ कर देता था या उसकी हत्या करके स्वयं यहाँ पर सुल्तान बन जाता था। और ये सारे जो षड्यंत्र होते थे ये अमीरों के ही सहयोग से होते थे, क्योंकि अमीर इस काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उन्हीं के द्वारा डिसाइड हो पाता था कि कौन सुल्तान बनेगा। अब अगले क्रम की अगर हम बात करें तो अगले क्रम के अंतर्गत है यहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता। धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन किया गया खिलजी के द्वारा। मोहम्मद तुगलक को अगर हम छोड़ दें यानी कि केवल अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक को हम अलग कर दें तो बाकी जितने भी यहाँ पर सुल्तान ने सभी ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन किया। और फिरोज शाह के टाइम पे तो जो धार्मिक असहिष्णुता थी वो पराकाष्ठा पे थी, क्योंकि फिरोज शाह के टाइम पर सबसे ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उनकी मूर्तियों को अपवित्र किया गया, जजिया कर लगाया गया और इस तरीके से बहुत ज्यादा असहिष्णुता का परिचय दिया गया था यहाँ पर फिरोज शाह के
टाइम पीरियड में, क्योंकि बहुत ज्यादा असंतोष तब पड़ गया जब दिल्ली सल्तनत की जब इस काल में जैसे ज्वाला देवी के मंदिर में मूर्ति को तोड़ा गया, फिर कसाईयों को उस मूर्ति के टुकड़े बेचे गए, तो बहुत ज्यादा असहिष्णुता का परिचय यहाँ के शासकों द्वारा दिया गया केवल अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक को छोड़कर। अब अगली बात करें, यहाँ पर दास बहुत ज्यादा रखे थे इन्होंने, यानी कि बहुत अधिक संख्या में थे, तो दासों की बाहुल्यता के कारण उन्हें आश्रय देना राज्य के लिए अहितकर हुआ, क्योंकि वो राजदरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो लगातार विद्रोह करने लगे, विद्रोहों में सक्रिय रहे। अब अलाउद्दीन के टाइम पर तो आप लगाइए दासों की संख्या 50,000 थी, लेकिन फिरोज तुगलक के टाइम में जब दासों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो दासों की संख्या थी 180,000, और दासों की समृद्धि के लिए ही फिरोज के टाइम में एक अलग से विभाग बनाया गया था, और यही दास आगे चलकर इसके पतन का कारण भी बने। अब अगले बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो जो ये शासन था वो सैन्य आधारित था, यानी कि सैन्य शक्ति पर आधारित था। इस शासन की अभी हमने कहा उत्तराधिकार के नियम के अंतर्गत जो जितना योग्य सुसंगठित सैन्य रूप से होता था वही सुल्तान बनने के लिए स्वयं को योग्य मानने लगता था। अब दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी शासन की आधारशिला ही सैन्य शक्ति थी, इस सैन्य शक्ति के बल पर ही वो शासन करते थे। इनकी स्थायी सेना रखा इन्होंने, सैन्य शक्ति को संगठित किया, और जब तक शक्ति सुदृढ़ रहती थी तब तक ये यहाँ पर शासन या साम्राज्य विस्तार कर पाते थे। वो किसी भी सल्तनत के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब सैन्य शक्ति क्षीण हो गई और वहीं से यहाँ पर पतन प्रारंभ हो गया। अलाउद्दीन और बलवन अपने शासन काल में सैन्य शक्ति को संगठित करने में सफल रहे, क्योंकि उनकी सफलता का जो मेन कारण था वो उनकी सैन्य शक्ति ही थी। लेकिन बाद के राजाओं में क्या हुआ, सैन्य शक्ति का अभाव रहा, उनमें उसे संगठित करने का अभाव रहा, तो जिस वजह से यहाँ पर शासन का पतन प्रारंभ हो गया। और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद तो सैन्य शक्ति बहुत ही तीव्रता से यहाँ पर क्षीण होती चली गई। अब बात करें केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता, यहाँ पर अगला मुख्य कारण है। केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता के अंतर्गत हम बात करें फिरोज तुगलक के टाइम में जो केंद्रीय शक्ति थी दुर्बल होनी प्रारंभ हो गई, क्योंकि जो इस बात का पर जो हम अगर असर की बात करें तो जो प्रांतीय शासक हैं उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, वो मौका पाते थे और दिल्ली सल्तनत से अपना संबंध विच्छेद कर लेते थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता वहां पर स्थापित करने की कोशिश करने लगते थे, समय समय पे विद्रोह होते थे, तो जिससे जो केंद्रीय शक्ति थी वो यहाँ पर कमजोर हो रही थी और लगातार विद्रोह की वजह से यहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र मान लीजिए या दक्षिण के या सुदूर दक्षिण वाले क्षेत्र मान लीजिए वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लग गए थे। अगला मुख्य कारण था मोहम्मद तुगलक की असफलता। मोहम्मद तुगलक की असफलता कैसे, मोहम्मद तुगलक की बहुत सारी मूर्खतापूर्ण योजनाएं चलाई गई, जो हमने पढ़ी थी चार बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं, नए नए कर लगाने से संबंधित था, अकाल पड़ गया है लेकिन फिर भी उसने वहां पर कर लगा दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो मोहम्मद तुगलक है उसने ऐसी योजनाओं को यहाँ पर लागू किया, जैसे राजधानी बदल दी है, फिर राजधानी पुनः जनता को यहाँ पर आदेश कर दिया गया कि दिल्ली चले जाए, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जनधन की यहाँ पर हानि होती है, यानी कि आर्थिक आघात बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से जब आर्थिक नुकसान हो गया है तो पतन का यहाँ पर प्रारंभ हो गया, क्योंकि तो सुल्तान अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए रोज जनता पर नए नए कर लगा देता था जिससे उसकी जनता असंतुष्ट हो जाती थी और सुल्तान पर से उसका विश्वास खत्म हो जाता था, और जिससे जो रोज नए नए आप नियम बना रहे हो, रोज नए नए कर लगा रहे हो, तो इससे क्या हुआ, प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया और प्रतिष्ठा को आघात हुआ और अब यहाँ पर पतन को रोक पाना मुश्किल हो गया। तो यानी कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो कार्य किए गए ये कार्य भी एक नींव हिलाने के काम में आए। अब बात करें फिरोज तुगलक की नीतियों की,
फिरोज तुगलक की नीतियां जो थी उस नीतियों के अनुसार, फिरोज तुगलक की नीतियां जो थी, जो फिरोज तुगलक की सैन्य नीति थी वो बहुत ज्यादा दुर्बल थी। सैनिक सुधारों से दिल्ली सल्तनत की सैनिक शक्ति जो थी बार बार उस पर आघात हो रहा था, घातक प्रहार लगा और उसे पूरे तरीके से दोबारा यहाँ पर स्थापित नहीं किया जा सका। अब जागीरदारी प्रथा को अलाउद्दीन ने समाप्त कर दिया था, लेकिन इसने दोबारा उसे शुरू कर दिया, जिस वजह से केंद्रीय शक्ति यहाँ पर दुर्बल हो जाती है। अब धार्मिक क्षेत्र में अगर हिंदुओं की बात करें, धार्मिक क्षेत्र में हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति का इसने पालन किया और जिससे यहाँ पर प्रजा असंतुष्ट रहने लगी। वो दिल्ली सुल्तानों में पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ये पहला सुल्तान जजिया कर लगाने वाला था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, तो डिनोट कर लीजिएगा। इस प्रकार फिरोज तुगलक की जो नीतियां थी वो फिरोज तुगलक की नीतियां भी पतन का कारण बनी। और अगला महत्वपूर्ण कारण ये था, जो मुगलों ने आक्रमण किया वो मुगलों के आक्रमण के कारण पूरे तरीके से दिल्ली सल्तनत का जो इमारत थी वो धराशायी हो गई। मुगल बार बार आक्रमण कर रहे थे तो जिससे लगातार दिल्ली सल्तनत की शक्तियों पर प्रहार हो रहा था और जिससे दिल्ली सल्तनत यहाँ पर कमजोर हो रही थी। तैमूर के आक्रमण हो रहे थे जिससे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर बाबर ने यहाँ पर 1526 में आक्रमण किया और 1526 का जो आक्रमण था वो तो एक तरीके से निर्णायक ही सिद्ध हो गया। और यहाँ पर जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि लोदी वंश को अंत्येष्टि काल कहा गया, तो यहां पर वो अंत्येष्टि काल मतलब अंत्येष्टि के माध्यम से समाप्त हो गया। अब यहां पर शुरू हो जाता था मुगल काल, किस तरीके से शुरुआत की गई। तो बहुत इम्पोर्टेंट एरा रहा जो दिल्ली सल्तनत का रहा, और इसके पतन के कारण कहीं ना कहीं इसके अंदर ही छिपे हुए थे और उनको ये सुल्तानों की कहीं ना कहीं अयोग्यता थी, अदूरदर्शिता थी कि उन्होंने उन कारणों को या उनके जो दिक्कतें थी उस समय जो षड्यंत्र किए जा रहे थे उन्हें पूर्णतः दबाने का प्रयास नहीं किया, जिस वजह से जैसे जैसे नए उत्तराधिकारी आते गए उनमें उस योग्यता का अभाव रहा और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर पतन का कारण, दिल्ली सल्तनत के पतन का ये कारण बने। तो इस तरीके से परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न के रूप में आज के कंटेंट को हमने देखा, तो संभवतः आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नए कंटेंट की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत से ही संबंधित हम जानेंगे, उनके सैन्य संगठन के विषय में यानी कि शासन प्रशासन के विषय में हम जानेंगे। तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें सुझाव, यदि आपको लगता है हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो आप वो हमें सुझाव जरूर दीजिएगा, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, लगातार आप साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।